Please support me daily new crossdresser story in Hindi video come in 8:30 PM. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Please support me. Marriage Part 2. हमारी छुट्टी आखिरकार अगले रविवार को थी। हमने अपनी सवारी वापस घर ले ली और हम लगभग 8:30 बजे हरी के घर पहुंचे और फिर हम उसके अपार्टमेंट में गए। मैं वास्तव में उसकी माँ का सामना करने से डर रहा था, लेकिन हरी मेरा हाथ पकड़े हुए था और मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके हरी ने घंटी बजाई और उसकी माँ ने आकर दरवाजा खोल दिया। ये देखकर कि मेरा दिल वास्तव में बहुत तेजी से धड़क रहा है और मुझे उसे देखने के लिए पर्याप्त साहस नहीं हो रहा है चेहरा, और फिर हम घर के अंदर चले गए और हम दोनों सोफे पर बैठ गए और फिर हरी की माँ ने मुझसे पूछा कि मैं अपने बेटे से शादी करने जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से सम्मोहित और तनावग्रस्त था और शर्मीली में मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना है। मैं अपना मुंह खोलने में भी सक्षम नहीं था, लेकिन बहुत कम और डरी हुई आवाज में मैंने कहा कि मैं हूँ, और उसने कहा, प्रिय मुझे देखो। मैं उसे देखने के लिए पर्याप्त साहस नहीं कर रहा था, लेकिन हरी ने समर्थन किया और कुछ साहस के साथ मैंने जोर से आवाज में कहा, हाँ मैं हूँ, और उसने कहा कि यह वही है मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और उसके बाद वह मेरे करीब आई और मेरे बगल में बैठ गई और मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और कहा कि प्रिय तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, चिंता मत करो, तुम हो, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस सकारात्मक बातों को सुनकर डरे नहीं, इससे मुझे अपने दिमाग में भारी सकारात्मक एहसास हुआ, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मेरे चेहरे ने कहा धन्यवाद। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए वह बहुत खुश था और फिर वह मेरे गाल पर मुझे चूमा और कहा, मेरे बेटे वास्तव में एक अच्छा साथी, आप दो सबसे अच्छा शादी होने जा रहे हैं, मिल गया है जोड़े। और फिर उसने हमसे कहा कि जाओ और स्नान करो और अपना आत्म तरोताजा हो जाओ, इसलिए मैं खड़ा हो गया और बाथरूम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन फिर हरी ने मुझे रोका और उसने कुछ कहा उसकी माँ के पास, और फिर उसकी माँ मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ कर मुझसे पूछा कि क्या तुम एक औरत बनोगी और मेरे बच्चे से शादी करोगी। मुझे पता है कि इसका क्या जवाब देना है। मैंने हरी की आंखों को देखा और कहा कि हाँ मैं करूंगा। हरी की माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई, फिर उसने कहा कि ठीक है प्रिया, अब तुम अपने आप को तरोताजा करो और कल थोड़ा आराम करो, हम अपना काम शुरू करेंगे। मैंने कहा ठीक है और फिर चला गया बाथरूम में और अपने आप को तरोताजा कर लिया, और फिर मैं डाइनिंग हॉल में आया और फिर हमने एक साथ अपना डिनर किया और फिर हम कुछ आकस्मिक बातचीत कर रहे थे और फिर मैं था, नींद आने लगी तो मैंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, इसलिए हरी ने कहा कि मैं भी थक गया हूँ इसलिए चलो, और फिर हम दोनों एक साथ चले गए बेडरूम में और फिर मैं और हरी हम दोनों एक साथ सोए थे। अगले दिन सुबह मैं लगभग 8:00 बजे उठा और मुझे अपने घर पर छोड़ने के लिए कहा ताकि मैं तैयार हो सकूं और मेरी नौकरी के लिए जाऊं, तो उसने कहा कि आज तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहां रह रहे हो। मैंने कहा मैं शाम को ये सब सीखूंगा, लेकिन अब मुझे जाना है नौकरी करने के लिए क्योंकि मुझे बहुत सारे लंबित काम मिले हैं। और जब तक हरी की माँ आई और मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा सारा काम मिल गया है और इसलिए अब तुम कर सकते हो अपने घर पर तनाव मुक्त रहे। मैंने कहा कि अगर मेरा सारा काम ठीक है तो मैं कर सकता हूं और मैं यहां रह सकता हूं, कि हरी को भी छुट्टी मिल गई थी। इसलिए इस बातचीत के बाद हरी की माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हमें अपना काम शुरू करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि हाँ चलो अपना काम शुरू करें। और फिर मुझे हरी और उसकी माँ हम तीनों कार पार्किंग में गए और कार में बैठ गए और फिर बालों को हटाने वाली क्रीम से लेकर विक तक हर चीज खरीदने के लिए बाजार गए। कुर्ता टू साड़ी और अन्य सभी स्ट्रैंड चीजें जो इस खरीदारी में बड़ी मात्रा में समय लेती थी। हम शाम 7 बजे घर लौटते थे। यह अब तक की सबसे लंबी खरीदारी थी मेरे जीवन काल में, हम सभी थक गए थे, लेकिन फिर हरी की माँ ने कहा कि तुम खुद तैयार हो जाओ। और फिर मोम क्रीम की मदद से मैंने अपने लड़के के सारे बाल हटा दिए, मेरे शरीर में बाल छोड़ दिए गए थे, मैंने अपने शरीर को छू लिया था। वैक्सिंग के बाद मुझे एक चिकनी एहसास हुआ कि मैं उस स्पर्श को प्यार कर रहा था, और फिर वैक्सिंग की गई थी, मैंने एक तौलिया पहना था और हरी कहा था माँ और पूछा कि आगे क्या है, और फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे इसे पहनने के लिए ब्रा दी। मैंने ब्रा ली और इसे पहनना शुरू कर दिया, लेकिन मैं संघर्ष कर रही थी ब्रा को हुक करें, ताकि माँ ने मेरी ब्रा को पीछे से झुका दिया और फिर उसने दो स्पंज गेंदों की एक जोड़ी दी जो हमने आज अपने स्तन को स्थापित करने के बाद खरीदी थी।
मैं सचमुच महसूस कर रहा था जीब और माँ ने मुझे पैंटी दी और फिर मैंने इसे पहना और फिर उसने मुझे लेगिंग दी और मैंने इसे लेगिंग की तंग भावना पहना और मुझे पागल महसूस कर रहा था और तब माँ ने मुझे एक सूती कुर्ता दी और फिर मैंने उसे पहना और फिर मैंने अपनी विग लगाई और फिर माँ ने मुझे आईने के सामने बैठा दिया और अपना मेक करना शुरू कर दिया ऊपर और कुछ मिनटों के बाद मैं तैयार था और फिर माँ और मैं दोनों हॉल में गए और मुझे देख कर हरी ने कहा कि माँ मेरी पत्नी दुनिया की खूबसूरत महिलाएं हैं। ये तारीफ थी, वास्तव में मुझे शर्मा रही है। और फिर हारी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बालकनी में ले गया और फिर हम दोनों उनके पास बैठे और कुछ बातचीत कर रहे थे और फिर इस बीच माँ एक ब्लाउज सिलाई करने के लिए मेरे उपाय को लेने के लिए दर्जी को बुलाया और कुछ ही मिनटों के भीतर दर्जी हमारे घर पर था और फिर माँ ने मुझे अपने नए नाम रुचि में बुलाया। माँ ने कहा कि आप उसे अपना ब्लाउज माप दे, वह आपके ब्लाउज को सिलाई करेगा। इसलिए उसने कहा कि ठीक है मैडम, चलो अपना माप लें। और फिर उसने मेरा माप लेना शुरू कर दिया और लेने के बाद मेरी सभी माप, माँ ने उसे वह सब साड़ी दी जो हमने आज खरीदी है और फिर पूछा कि तुम कल कौन चाहते हो, तो साड़ी को देखा और मैंने कहा कि माँ मुझे चाहती है नीला रंग साड़ी कल, तो माँ ने कहा कि यह नीला रंग तत्काल है, मैं इसे कल सुबह तक चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि वह कल सुबह तक तैयार हो जाएगा और फिर वह चला गया। फिर कुछ घंटों के बाद हम सभी ने अपना डिनर भी किया और फिर हम सब सो गए। अगले दिन सुबह हम सभी जल्दी उठे और फिर हम सभी ने एक एक करके अपना स्नान किया और फिर मैं और माँ उसके कमरे में गया और फिर मैंने स्तन से ब्रा और सेटअप पहना और फिर मैंने पैंटी पहनी और फिर मैंने पेटीकोट पहना और फिर मैंने अपनी नाइटी पहनी जैसे मेरी साड़ी है तैयार हो रहा है और फिर मैंने अपनी विग लगाए और फिर थोड़ा मेकअप किया और फिर मैं हरी के साथ हॉल में बैठा रहा और फिर सुबह 8:30 बजे वह दर्जी आया और मुझे मेरा ब्लाउज दिया। मैंने माँ से पूछा कि दर्जी दुकान में रहता है या उसे वह ब्लाउज बहुत तेजी से तैयार हो जाता है, इसलिए माँ ने कहा कि मैं उसका नियमित ग्राहक नहीं हूँ और मैं अपने कपड़े सिलाई कर रहा हूँ। पिछले 15 वर्षों से वह हमेशा मुझे सेवा देता है जब भी मैं चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है माँ। और फिर मैंने कहा कि माँ मेरी मदद करने के लिए आओ, तो माँ कहा ठीक है चलो चलो चलते हैं। और फिर मैं और माँ अपने कमरे में चले गए और फिर मैंने अपनी नाइटी को हटा दिया और फिर मैंने अपना ब्लाउज पहना और फिर माँ ने मुझे पहनने में मदद की सारी और सारी में कुछ ही मिनटों के भीतर और फिर मैं हरी के सामने चला गया। मुझे देखकर वह बहुत खुश था, वह मुझे गले लगाया और मेरे होंठ में मुझे चूमा और कहा मैं तुम्हें अपने प्रिय से प्यार करता हूँ। और फिर मैंने जवाब दिया कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर माँ आई और कहा कि आओ मैं ऑफिस जाऊँ, तो मैं ऐसा नहीं था जैसे मैं नहीं आ रहा हूँ इस स्थिति में कार्यालय, तो माँ ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं सुन रही हूँ, आपको कार्यालय आना है। इसलिए हरी ने कहा कि प्रिया आओ जाने दो, तुम हमेशा डर में क्यों हो, कहा कि यह डर नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे लोगों का सामना करना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कार्यालय आऊं तो मैं तैयार हूं। और फिर मैं हरी और माँ कार्यालय गए और हम सभी माँ के केबिन में बैठे थे और फिर माँ ने बैठक के कमरे में कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को बुलाया और फिर माँ को बुलाया मीटिंग रूम में मैं और हरी और फिर मम्मी ने कहा कि यह मेरी बहू रुचि है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वह मेरा बेटा हरी है और वे दोनों जा रहे हैं अगले महीने शादी करने के लिए। पूरे कार्यालय में सभी ने मुझे बधाई दी और फिर माँ ने कहा कि एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और माँ ने कहा कि यह नहीं है एक सामान्य शादी, यह एक समलैंगिक विवाह है। हर कोई एक सदमे में था, सभी ने सोचा कि मैं एक लड़की हूँ लेकिन किसी ने भी मुझे नहीं देखा। और फिर माँ ने इस रहस्य का खुलासा किया कि मैं उनका सहयोगी हूँ। ये सुनकर सुशांत ने कहा कि हर कोई मुझ पर हंसेगा लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया, बल्कि इस बार वे सभी बहुत खुश थे और उन्होंने मुझे बधाई दी। और इस विशाल को देखकर इसे समर्थन मुझे इतना भावुक कर रहा था कि इन सभी लोगों के सामने मेरी आंखें गीली हो रही थी और खुशी के आंसू में मैंने कहा कि आप सभी को बहुत धन्यवाद। और फिर मैंने हॉल छोड़ दिया और माँ के केबिन में चला गया और वहाँ अकेला बैठा था और कुछ ही मिनटों के भीतर हरी वहाँ आया और मेरे साथ। मैंने कहा कि हरी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बहुत लोग हैं हमारा समर्थन करेंगे। इसलिए हरी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं अपने सिर को उसके कंधे में रख रहा था और मैंने कहा कि हरी तुम्हारा परिवार सहायक है लेकिन आप हमारी शादी के लिए मेरे परिवार का प्रबंधन कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मेरी माँ ने आपकी माँ को फोन किया था और पिताजी वे यहाँ आ रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, मेरी माँ और पिताजी ने मुझे यहाँ आने के बारे में कुछ नहीं बताया।
इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने उनके साथ बात की थी और उन्हें बताया कि आपको एक वरिष्ठ पद पर पदोन्नत किया गया है, इसलिए हम हैं एक सफल पार्टी होने के कारण वे आपको आश्चर्यचकित करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, लेकिन जब वे यहाँ आएंगे तो वे मुझे आश्चर्यचकित नहीं करेंगे, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ उन्हें, लेकिन मुझे वास्तव में अपनी माँ और पिताजी का सामना करने की कोई हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या करना है, तो मैंने सोचा कि मुझे अपने भाई को फोन करना चाहिए और मेरा समर्थन पूछना चाहिए। बचपन वह एक आदमी है जिसने हर मुश्किल में मदद की थी, इसलिए मैंने उसे फोन किया। मैं उसे सच कहने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन किसी भी तरह मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। यह वह बहुत खुश था और उसने कहा कि माँ और पिताजी ने मुझे आपके प्रचार के बारे में बताया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सच्ची कहानी है। अब चिंता न करें, मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं माँ और पिताजी का ख्याल रखूंगा। वर्तमान में वह अपनी नौकरी के कारण चेन्नई में रह रहा है, इसलिए उसने कहा कि चिंता मत करो, मैं माँ और पिताजी से पहले वहाँ रहूंगा। और फिर शाम को वह बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचा, तो मुझे और हरी, हम दोनों उसे लेने के लिए हवाई अड्डे पर गए। और फिर कुछ ही मिनटों के भीतर वह हवाई अड्डे से बाहर आया, हम सभी मिले और मैंने हरी और भाई को एक दूसरे से मिलवाया। और फिर हम कार में बैठ जाते हैं और हरी के घर की ओर बढ़ जाते हैं, और फिर हम सब ताज़ा हो जाते हैं और अपना रात का खाना खाते हैं, और फिर हम अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर हम सो जाते हैं।